आज मैं आपको मटन आलू गोश्त की बहुत सिंपल, इजी और मज़ेदार रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं सबने कैसे तैयार की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा रेसिपीज। आज मैं आपके लिए मटन आलू गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ। मटन आलू गोश्त की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर दी है, लेकिन आज मैं बना रही थी, मैंने सोचा आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। मटन जो है मैंने आधा किलो से ज़्यादा लिया है, तो उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ों का मेजरमेंट बताऊंगी। ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज डाल दें। प्याज को अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कर लें, जैसे हम प्याज फ्राई करते हैं। प्याज फ्राई हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। 1-1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। साबुत गरम मसाले में मैं 2-3 चिमन स्टिक्स, 2 बड़ी इलायचियाँ, 10-12 काली मिर्ची और 3-4 लौंग ले रही हूँ, ये डाल दें। लहसुन अदरक की भुनाई हो गई तो मटन डाल दें। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली भी पैन जिसमें मर्जी बना सकते हैं। गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लें प्याज के साथ। गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लें, कलर चेंज हो जाए गोश्त का। साथ ही टमाटर डाल दें। 3 दिन मैंने खाए थे, मैंने टमाटर दिए थे जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। गोश्त के साथ ही काफ़ी हद तक गल जाएंगे। मसाले शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून नमक यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है भुना हुआ धनिया और भुना हुआ जीरा। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन 1 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून मैं फिलहाल गर्म मसाला इसमें पिसा हुआ डाल रही हूँ, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से और बहुत मज़े का आलू गोश्त जो है वो हमारा तैयार होगा। टमाटर वगैरह की बनाई हो जाए तो साथ ही दही डालते हैं। दही में आधी प्याली यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 200 ग्राम के पास। आप देख सकते हैं टमाटर कितनी अच्छी तरह से अभी से गल चुके हैं, और तकरीबन मैं इसको 15-20 मिनट की सीटी लगाऊंगी और गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। फिलहाल अभी इसकी भुनाई करें 1-2 मिनट। गोश्त की और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब 1 ग्लास मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि ये मटन है तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हमारा जो है गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। उसको लिड दे दें, तकरीबन 20 मिनट की सीटी में जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर की लिड खोली है, तो गोश्त जो है वो काफ़ी तक हमारा गल चुका है। मैंने लेकिन 85% तक गलाया है, अभी मैंने इसको मुकम्मल नहीं गलाया, क्योंकि आलूओं के साथ में तकरीबन 5 मिनट की इसको सीटी दूँगी फिर ये मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके साथ ही आलू डाल दें। तकरीबन 4 आलू मैंने लिए थे और उनको मैंने टुकड़ों की शक्ल में काट लिया।
और मैंने तकरीबन एक घंटे से आलूओं को पानी में डिप करके रखा हुआ है। आलू जब भी बनाएं, किसी भी शक्ल में बनाएं, उसको पानी में ज़रूर डिप करके रखें। आलूओं के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लें मसाले की। थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च मैं भी डालूंगी और बाकी बाद में गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। गोश्त के साथ आलू के साथ और भुनाई जो अच्छी तरह से मुकम्मल हो गई है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और सिर्फ मसाला रह गया। अब आप इसमें जितना पानी रखना चाहते हैं, यानी कि जितना इसको शोरबा रखना चाहते हैं, उतना पानी डाल दें और सिर्फ 5 मिनट की सीटी जो है मैं आलूओं के साथ इसको दूंगी और आलू गोश्त जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो मैं जो तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको चढ़ा रही हूँ दोबारा से, ताकि हमारे जो आलू हैं और गोश्त में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। इसको लिड दे दें और 5 से 6 मिनट की सीटी के बाद इसको उतार दें। मटन आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और धनिया डाल दें, हरी मिर्च डाल दें और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको और रखूँगी। पाँच मिनट के दम पे रख दें इसको और जैसे ही तैयार होता है मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।